दोबारा मेरे साथ शादी कर दी इसने 15/2/2022 को, जब यानी कि 33 दिन के अंदर इस लेडीज ने 3 शादियां कर दी। जेल से आने के बाद भी कम से कम अब तक 10 शादियों को और इंजाम दे दिया है। क्या नाम आपका? सुनील कुमार। कौन सा नाम? बुटाना जी। ये आप कह रहे हो भाई लुटेरी दुल्हन? हाँ जी। कौन है लुटेरी दुल्हन, कैसे है और क्या बात है आपके साथ? ये जी अंजू है, करनाल से यूपी की रहने वाली है। इस लड़की ने 33 दिन में 3 शादी कर दी 2022 में। इन्होंने 13/1 को तो किवाने गौरव शर्मा पुत्र रामकरण पहली शादी, इसकी टॉर्चर की एप्लीकेशन लगा के दोबारा मेरे साथ शादी कर दी इसने 15/2/2022 को। ये फोटो है, एफिडेविट है। इसके बाद इसने 15/2/2022 को मेरे साथ शादी की, 19/2 को ये मेरे से निकल गई, 21/2/2022 को इसने फिर नौलथा गांव में राजेंद्र पुत्र जलबाग के साथ शादी कर दी, यानी कि 33 दिन के अंदर इस लेडीज ने 3 शादियां कर दी। तो ये अंदाजा लगाओ कि ये 33 दिन में 3 शादी करती है तो ये एक साल में कितनी शादी करती है। तो ये इस हमारे तीनों के केस में FIR है इसकी, और FIR में हमारे केसों में ये बेल पे है, जमानत ले रखी है इसने। अब भी ये नहीं रुक रही है, अब भी ये शादी पे शादी कर रही है। मेरे को सुनने में आया है कि इन्होंने जेल से आने के बाद भी कम से कम अब तक 10 शादियों को और इंजाम दे दिया है। कुछ मेरे पास इसके प्रूफ भी हैं। ये देखो जी, ये अभी एक हफ्ता पहले किसी शरीफ परिवार को फिर निशाना बना दिया इन्होंने। ये फोटो समेत है मेरे पास, एक फोटो है ये दूसरे वाला है। ये परिवार भी देखे और इसको पहचाने कि ये बहुत बड़ा गैंग है। इन्होंने अभी तक पहले स्टेटमेंट में 20 शादी की दी थी, लेकिन मेरे अंदाजे से ये करब अर्ध शतक मार चुकी होगी, 50 के करीब शादी कर चुकी होगी। ये देखो उसके फोटो, ये देखो जेल से आने के बाद। और यही नहीं, ये एक श्री परिवार को ठगती है और ये गैंग बताता है उनका केस के कुछ नहीं आगे पीछे। एक मौसी है, और इसके मौसी नहीं दो भाई भी हैं, खुद की माँ भी है। मौसी के खातों में, भाई के खातों में पैसे जाते हैं, तब ये दुल्हन बन के वहां से चलती है और श्री परिवार को ठगती है। तो आपको कैसे ठगा, क्यों ले गई आपको? मेरे से जी, स्टार्टिंग में मेरे से शादी करवाई, इसने मेरे से कुछ गहने भी ले गई, 3,20,000 रुपए का। इन्होंने मेरे को चपत भी लगाई, शादी में कुछ खर्चा भी आ गया। और अब कौन सा रुक गया जी, अभी तक तो मैं केस लड़ने लग रहा हूँ इनका, अभी तो लग रहे हैं। करीबन 1.5-2 लाख रुपए में गए केस में भी निकाल दिया हूँ इन्होंने। ये बहुत बड़ा गैंग है जी, बहुत। मेरे तो ये अनुरोध है हरियाणा वासियों से, इस प्रकार के गैंग से बचो। ये हरियाणा में श्री परिवारों को ही निशाना बना रहे हैं, ये इन लोगों का काम है। मैं ये चाहता हूँ जी, इस प्रकार के दोषी को तो जो ये काम करता है, गवर्नमेंट बेल ही क्यों दे रही है, जमानत ही क्यों दे रही है? बार बार इनको ये ठग रहे हैं परिवारों को। इस प्रकार के क्रिमिनल तो जेल में ही सड़ने चाहिए। आपने मामला दर्ज कराया? मैंने जी मामला दर्ज करवाया है, और मेरा कोर्ट के दिन केस है। मेरे ख्याल में मुकदमा नंबर भी 86/2022 है, कुछ जैसा मेरे नॉलेज में है इसके खिलाफ। तो और जगह भी लगी है फायर? और जगह पे जी, ये यहाँ से इसराना में भी इसकी FIR है, लेकिन मुकदमा नंबर को तो मेरे को पता नहीं है। और इस पे एक मुकदमा यहाँ से ये संभालका से भी है, जो स्टार्टिंग में मैंने फोटो दिखाया, गौरव शर्मा पुत्र रामकरण। ये तीनों मैंने इसके सबूत एफिडेविट पकड़ रखे हैं। 33 दिन में जो इसने 3 शादी कर दी, तो ये लुटेरी तो यही से साबित होती है। ये देखो, ये मेरे साथ कर दी शादी, मेरे बाद कर दी शादी, ये मेरे से पहले ये भाई शिकार बना दिया गौरव पुत्र। ये तो ये आशय साबित होता है कि 33 दिन में एक ही लेडीज शादी कर सकती है, तो ये तो साबित होता ही है जी। ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है।
आपको कैसे फंसाया होगा, कैसे संपर्क में आए? ये मेरे संपर्क में ऐसे आए जी, मेरे माँ बाप की बात हुई मेरी बुआ से, जो कि मांडी गांव में शादीशुदा है। उन्होंने पड़ोस में कोई करवाता था जो इनके गैंग में शामिल है, काला पुत्र महेंद्र, उसके बुआ की मेरी उनसे बात हुई। तो इस प्रकार से माँ बाप के कुछ समझ में आ गया, उसने जाके मेरे को वहाँ पे दिखाया करनाल में, ले भाई ये है वो है वो, आप वहाँ पे तो शरीफ बन के दिखाते हैं, कुछ भी नहीं सामने आते, कुछ नहीं दिखाते, कुछ नहीं है, मेरे में गरीब हूँ, माँ बाप मेरे नहीं हैं, इस प्रकार के सामने तथ्य लेते हैं ये, और है जी ये गैंग पूरा। तो आप क्या चाहते हो सरकार से, क्या अपील? सरकार से यही अपील चाहता हूँ जी, इस प्रकार के मुजरिमों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे और किसी गरीब परिवार को ये न ठगे।